नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजतक। मैं हूं रजत देवगन। आज के दमदार सौदे में आपका स्वागत है। और आज बाजार खुलते एक बार फिर से धड़ाम हुआ, बहुत भयंकर बिकवाली आज सोमवार के शुरुआती सत्र में ही आपने आते देखी है। और देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक जो बड़ा ट्रिगर मार्केट्स के साथ आज जुड़ गया वो था कच्चा तेल। सुबह यहाँ खुली तो एकदम से ब्रेंट क्रूड $138 टकरा गया, और ये कहीं ना कहीं बहुत टेंशन दे रहा है, समय नर्वस कर रहा है एशियाई बाजारों को। तमाम एशियाई बाजार नीचे हैं। $138 प्रति बैरल अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि 2008 के बाद ये पहला मौका जब ब्रेंट क्रूड $138 पे पहुंचा है। फिलहाल 129 पे कर रहा है कामकाज, लेकिन टेंशन तो हुई है आज शुरू। अमेरिका और साथ ही रूस ने भी एक स्टांस बनाया है कि हो सकता है आने वाले समय में वो रूस से ऑयल इंपोर्ट कम करें या रोकें, तो ये एक और चुनौती बन जाएगी रूस के लिए। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है कि ऐसा कर भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं डगमगा जाएंगी और बाजार इसी को ही कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहा है। मूडीज ने रूस की लॉन्ग टर्म रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, और हम बार बार यही कह रहे थे कि चार बार आर्थिक संकट आया है रूस पे, और इस बार फिर से जो उनके डेट डिफॉल्ट पेमेंट का जो खतरा है वो मंडरा रहा है अब ग्लोबल अर्थव्यवस्था पे। तो ये युद्ध किसी के लिए भी ठीक था नहीं, और वो अब बाजार प्रूव कर रहा है। मेरे साथ आज संदीप माटा जी जुड़े हैं, फाउंडर ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के। संदीप जी, बहुत शुक्रिया अपना समय बिजतक को देने के लिए। सर, कच्चे तेल के साथ शुरुआत करूंगे, इक्विटी मार्केट के साथ। आप बताएं, शुरुआत जब सुबह उठे थे तो मार्केट में पहली चीज क्या देखी थी आपने? सो आई मीन दिस वाज अ बैड मॉर्निंग आई वुड से। सब कुछ लाल था, कोई सा भी मार्केट, कोई सा भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखें, और ये एविडेंट था कि आज स्टॉक मार्केट के अंदर मंदी वाला सोमवार होने वाला है। तो फिर अभी मार्केट पे एक बार देख के बताएं सर, ये जो आज के सत्र में बिकवाली, में चार्ट भी लगा दूंगा अभी व्यूअर्स के लिए, लेकिन आज के सत्र की जो बिकवाली है उसको कैसे देखते हैं? मौका है कि धोखा है, कैसे देखें? अब 16,000 के नीचे जो निफ्टी पहुंचा है, 16,785, 460 पॉइंट्स उड़ गए निफ्टी पे, 1500 पॉइंट्स निफ्टी बैंक नीचे आता हुआ नजर आया है, क्या किया जाए सर? तो इसमें मेजर जो रोल है आज की गिरावट का, और मैं कहूंगा कि पिछले 2-3 दिन की गिरावट में जो मेन रोल है वो है क्रूड ऑयल का, और क्रूड ऑयल हमारे यहाँ पर एक लोकल गिरावट का कारण बनता जा रहा है। उसका रीजन ये है कि क्रूड ऑयल की वजह से एक इन्फ्लेशन के अंदर तेजी मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है, और ये इन्फ्लेशन सारी कंपनीज की इनपुट कॉस्ट को इंक्रीज करेगा, और कहीं ना कहीं मार्केट ये सारी कॉस्ट को फैक्टर इन कर रहा है रिजल्ट के अंदर, और वहीं पर डिस्काउंटिंग हो रही है मार्केट को लेकर, क्योंकि उतना आसान नहीं होगा किसी भी कंपनीज के लिए इन सारी इनपुट कॉस्ट को जो इमीडिएटली उनके ऊपर बर्डन आया है उसको पास ऑन करना। तो शायद ये पहला कारण है जिसे मार्केट डिस्काउंट कर रहा है कि Q4 के रिजल्ट कंपनीज के अच्छे नहीं आएंगे। दूसरा कारण मैं देखता हूं कि FIIs की सेलिंग कंटिन्यूअसली हो रही है पिछले 1.5 से 2 महीने में, और FIIs जो है वो मेजरली सेल कर रहे हैं बैंक्स, और बैंक्स में भी ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ये तीनों रफली 20% के आसपास का वेटेज रखते हैं इंडिविजुअल निफ्टी के अंदर। और अगर आप इनकी FIIs होल्डिंग अगर देखेंगे तो सब में मोर देन 40% की FII होल्डिंग है, और पिछले 2-3 क्वार्टर में 2.5 से 3% की बिकवाली FIIs ने पर्टिकुलरली इन लार्ज कैप्स में करी है, और बैंक निफ्टी इटसेल्फ अपने आप में 35-36% का वेटेज रखता है निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी अगर 2% फॉल करता है तो उसका एक मेजर रीजन आता है बैंक निफ्टी में फॉल, और वो फॉल अलोकेट होता है FIIs की कंटिन्यूअसली सेलिंग इन बैंक्स के अंदर। तीसरा चीज, सभी को पता है रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर की स्थिति चल रही है, ऐसी मार्केट किसी भी अच्छी स्थिति को ले सकता है, किसी भी खराब न्यूज को डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन मार्केट को एक चीज पसंद नहीं है वो है अनसर्टेनिटी, और करंटली रशिया यूक्रेन का जो मॉडल है वो अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कब वो कीव पे अटैक करेंगे, कब वहां पर क्या होगा, कब कौन से सैंक्शंस लेंगे, रशिया की इकोनॉमी का क्या होगा। जब वॉर स्टार्ट हुआ था तो ये सोचा था कि 3-4 दिन के अंदर ये पूरा सेटल हो जाएगा, और अगर उसे कब्जा करना भी है यूक्रेन के ऊपर तो वो 3-4 दिन के अंदर ये स्टोरी खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से अनसर्टेनिटी दोनों देशों ने बिल्ड करी है, मार्केट उसको लेके कहीं ना कहीं स्पेक्टिकल है, और उसका रिजल्ट किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इसी रीजन की वजह से रेट हाइक जो US ने बोला कि हम 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, उससे मार्केट को कहीं थोड़ी राहत मिली है, लेकिन इन्फ्लेशन फ्रंट के ऊपर वहां के जो जॉब डेटा इंप्रूव होकर आए हैं वो सभी इस ओर इशारा करते हैं कि इकोनॉमी कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रही है और इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा। एक हमारे यहाँ लोकल फैक्टर अभी है जो शायद आज के बाद हम ज्यादा बात करना इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे, वो है इलेक्शन रिजल्ट्स। हो सकता है शाम या कल तक पोल रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाए, एग्जिट पोल, और हो सकता है कि मार्केट अभी इस मूड में नहीं है कि हम ये नया वेरिएबल इसके अंदर ऐड करें, लेकिन अगर
बीजेपी गवर्नमेंट अगर नहीं आई तो मार्केट कैन यू नो कैन फॉल यू नो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड फॉर अ लॉन्गर यू नो एल्टीट्यूड. सो आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर अगर कहीं पर भी वहां पर मिसअप होता है तो वी मे यू नो सी सम लोअर सर्किट सॉर्ट ऑफ यू नो कंडीशन इन स्टॉक मार्केट. सो इट्स अ टेस्टिंग टाइम. थोड़ा सा अपनी पोजिशन को आप हैच करें और जहां तक हो सके कोई नई पोजीशन अभी नहीं लें अगर आप स्पेसिफिकली ट्रेडर हैं. तो इन्वेस्टर हैं तो उनके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं. जी बिल्कुल, इन्वेस्टर के लिए ही ये मार्केट है और ये मौका आया है. देखिए इसी का तो इंतजार था और यही हुआ. अब अगर इस स्थिति को मिस कर दिया तो फिर कहाँ पैसा लगाएंगे आप? 19,000 के लेवल पे, 20,000 के लेवल पे निफ्टी पहुंचेगा तब? जी नहीं, जब बाजार गिर रहा होगा तब हिम्मत करनी होगी और एक मुश्त नहीं सिस्टमैटिकली निवेश करना होगा. यही बिजतक के प्लेटफॉर्म के से हम ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप बाजार गिरा है तो नर्वस मत होइए, ये ट्रेडर्स की मार्केट है नहीं, इन्वेस्टर्स के पास आया है बहुत बढ़िया मौका. और अभी तो FIIs कर रहे हैं लार्ज कैप में बिकवाली, लेकिन ये लार्ज कैप से कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी निकलेगी यानी लार्ज कैप में, तो आप उन्हीं पे ही अभी फोकस करें और सिस्टमैटिकली अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रख सकते हैं या फिर बाजार और गिरा तब नियमित निवेश आप स्टार्ट कर सकते हैं. क्रूड चिंता, हैवी वेट्स में बिकवाली FIIs की चिंता, रूस यूक्रेन वॉर चिंता, बॉन्ड यील्ड का बढ़ना चिंता और चुनावी माहौल में अब जब एग्जिट पोल्स आ जाएंगे तो उस पर ही सब कुछ अब निर्भर करेगा. तो देखिए बहुत ज्यादा एक नर्वस सिचुएशन तो है ही, लेकिन मार्केट में फटाफट से बता दूं कैसे कामकाज कर रहे हैं, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से आपके सवाल भी लेंगे और साथ ही साथ संदीप माडा जी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी जानेंगे. लेकिन निफ्टी 17,785 आज एक और थी खबर की ना, ये NSE की जो रेट्स हैं वो बहुत स्लोली आज यहाँ पर जो है उनकी चाल देखने को मिल रही है और अपडेट प्रॉपरली नहीं हो. संदीप जी आपको भी ये फेस करने को मिली क्या प्रॉब्लम NSE की? बिल्कुल, एक्सचेंज की तरफ से इशू है, रेट रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं. कैश वगैरह के रेट रिफ्रेश होना स्टार्ट हो गए, लेकिन अभी भी अगर आप स्पॉट देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का तो उसमें कहीं पर लैगार्ड है, रियल टाइम अपडेशन नहीं हो रहा है वहां पे. हाँ, रियल टाइम अपडेशन नहीं हो रहा है, वो मेरी स्क्रीन भी बता रही है 15,785 पे इस समय निफ्टी का मौजूदा स्तर देखने को मिला है. तो ठीक है अभी रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं एक्सचेंजेस पे और क्लैरिफिकेशन क्या देता है. निफ्टी बैंक भी फिलहाल के हिसाब से तो 32,906 दिखा रहा है, 1500 पॉइंट की गिरावट. और अगर ऑब्वियसली आपके मैसेजेस मेरे पास पहुंच जाएंगे लेकिन आप दर्शकों के, लेकिन हाँ ये बात सही है कि NSE के कोड्स जो रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं और उसमें थोड़ा डिले हो रहा है. तो चलिए मार्केट्स पे ये देखते हैं कि शुरुआती सत्र में झटके कहाँ कहाँ लगे थे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. संदीप जी जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये मार्केट अब बहुत बढ़िया निकलेगी और हो सकता है कि जब ये सब कुछ कूल ऑफ हो जाए, ग्लोबल अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए तो उसके बाद एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आए. लेकिन आज के बाजार में जो टूटा है पहले तो उसी से शुरुआत करते हैं. अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखने को मिल रही थी, मारुति सुजुकी, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, L&T, हीरो मोटोकॉर्प 5% से 6% आज के सत्र में टूट गए. सबसे पहले तो सर अभी तो ऑटोस का टाइम है नहीं क्योंकि क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ने की बात हो रही है. ये मारुति, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प में SIP करने का मौका है या फिर बिल्कुल अवॉइड करने हैं इस सेक्टर को भी? नहीं, मेरा यहाँ पर एक अलग ओपिनियन है. ये सारे अच्छे काउंटर्स हैं, हमने टाटा मोटर्स को 80 रुपए के लेवल पे देखा है, हमने मारुति को 6,000 के लेवल पे देखा है, अभी 10-15 दिन पहले हमने 8,500 के लेवल पे मारुति को ट्रेड होते हुए देखा है. सो जहाँ हम बात करते थे फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट की, आई मीन ये मार्केट अब जोमो की तरफ मूव हो रहा है, विच इज ए जॉय ऑफ यू नो मिसिंग आउट. तो अगर आपने वो जॉय ऑफ मिसिंग आउट अगर यू नो अवेल किया है, अगर आप उतने लकी हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि आप वापस फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली सिचुएशन में ना गिरें, अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करें, चेक करें कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, वॉलिटिलिटी आप कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कोरिलेशन का मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, और इसके बेसिस के ऊपर हमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए. इसी मुझे लगता है कि SIP नॉर्मली है ना बहुत ओवररेटेड है. हम जब बुल मार्केट में होते हैं तब सब SIP की बात करते हैं, लेकिन वहां पर SWP की बात नहीं करते कि हमें मार्केट से पैसा निकालना भी होता है. तो SIP और SWP दोनों के ऊपर फोकस होना चाहिए. अभी विड्रॉल प्लान नहीं होना चाहिए, अभी इन्वेस्टमेंट प्लान है. बहुत सारे अच्छे बिजनेसेस आपको कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है. सी देखिए, जब मार्केट गिरता है तो सभी गिरेंगे, इसका कोई वैक्सीन नहीं है कि हम उसको लेके इम्यून हो जाए. और एक चीज जो मंदी के समय हमें ये नहीं करनी चाहिए वो है पैनिक. सी आपको मंदी के समय शांति से बैठना है, चीजों को इवेल्युएट करना है और देखना है कि अब अपॉर्चुनिटी कहाँ बन रही है. तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से बिजनेसेस आपके पोर्टफोलियो में ऐसे हैं जो आपने एक मोमेंटम ट्रेड की तरह लिए थे,
उसमें अगर कहीं पे डिप भी है, अगर 10% 15% का अगर कहीं पे डिप भी है, तो मैं बोलूंगा कि एक बार वो हार्ड स्टॉप वहां पर कर लें, पोजिशन को वहां से एग्जिट कर लें और अपने पोजिशंस को लार्ज कैप जहां पर अच्छे बिजनेसेस है जो इंडिया स्टोरी को यू नो फ्यूल करते हैं, वहां पर अपना पोर्टफोलियो आप अलोकेट करें, रीशफल करें थोड़ा सा, तो उस तरफ से आप यू नो अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान कर सकते हैं। इनफैक्ट स्माइली वो लोग वो व्यूअर्स बना बना के दे रहे हैं जिन्होंने बाजार पे मंदी की पोजीशन बनाई या फिर जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो उनके लिए तो बहुत बेहतरीन मौका है। और मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं उसमें स्माइली ही ज्यादा आ रही है, ये हैरान करने वाली बात है। यानी कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, तो चलिए अपॉर्चुनिटी तो आ गई आपके पास। अब देखते हैं कि यहाँ पर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन चलिए कुछ देखते हैं कि अब रेट्स अपडेट हो रहे हैं ना, ये माटा साहब ये रेट्स अपडेट होने शुरू हो गए। बिल्कुल 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 सर। तो ओएनजीसी और हिंडालको पे से शुरुआत करते हैं सर। आज ओएनजीसी पे चौंकाने वाली रिपोर्ट आई थी सीएलएसए ने जो ऑयल एंड गैस पे जो आज रिपोर्ट भेजी। पहले तो मैं ओएनजीसी का चार्ट लगा दूं और उसके बाद सीधा ओएनजीसी से शुरुआत कर रहे हैं। अभी चल रहा है 172 के आसपास और ये रिपोर्ट ये कहती है सीएलएसए की एलएनजी कीमतों का बढ़ना गेल के लिए पॉजिटिव है। अप्रैल तक वो बोल रहे हैं जो $3.2 प्रति बैरल प्रति एमएमबीटीयू जो कीमतें हैं वो बढ़कर हो जाएंगी $60 प्रति एमएमबीटीयू। घरेलू गैस कीमतें अक्टूबर 2022 तक $12 प्रति एमबीपीटीयू पहुंच सकती हैं। और ओएनजीसी और ऑयल इंडिया इसलिए क्योंकि क्रूड में जो तेजी बढ़ी है उसमें FY23 में वो बोल रहे हैं कि आउटलुक बहुत बेहतर हो गया और हो सकता है कि ये जो स्टॉक्स हैं ऑयल इंडिया और ओएनजीसी ये 165% से 135% बढ़ते हुए नजर आए। हम व्यूअर्स को ये नहीं बोल रहे कि एकदम से जंप करके लीजिए, लेकिन हाँ क्रूड आउटलुक सीएलएसए का अभी तक के ग्लोबल सेटअप के हिसाब से वो समझ रहे हैं बहुत स्ट्रांग है और ओएनजीसी और ऑयल इंडिया उनकी प्रेफर्ड पिक लग रही है। सर अब निवेश तो सिस्टमैटिक ही करना होगा, लेकिन ओएनजीसी गिरते बाजार में हो गया 4% ऊपर, आपके कमेंट्स? सर क्रूड ऑयल का इंपैक्ट है, क्रूड ऑयल में जो इतनी तेजी आई है वो डायरेक्ट प्रॉक्सी है ऑयल एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, तो वहां पर उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट आना ही है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इमीडिएटली जंप करके इन स्टॉक्स को लें, बिकॉज कहीं ना कहीं मतलब है ना, जब ये मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल का जो बिहेवियर है इट्स मोर ऑफ ए ट्रेड करंटली, जो एक जियोपॉलिटिकल टेंशंस और कुछ सेंशंस की वजह से इतना सडन स्पाइक आया है। जब ये कूल डाउन होगा तो आपको ओएनजीसी और अदर कंपनीज के अंदर भी आपको थोड़ा सा कूल डाउन मिलेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पर अलोकेट करने से बेटर है कि हम वहां पर पैसा लेकर जाए जहां पर मतलब है ना अभी फ्लेम की वजह से वहां पर बर्न स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, अगर आपको ओएनजीसी प्ले करना भी है तो मैं ये बोलूंगा कि आप कुछ ऑप्शंस की स्ट्रेटजी बनाएं, कॉल ऑप्शंस बाय करें, कुछ आगे कॉल ऑप्शन शॉर्ट करें, कुछ रेशो स्पर्ट्स बनाएं, उस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आप मार्केट में ज्यादा रिस्क को कैरी भी नहीं करेंगे और एट द सेम टाइम आप अपसाइड के अंदर बने भी रहेंगे। आप बस टारगेट बताएं सर ओएनजीसी पे मैक्सिमम, इस समय आप कैसे देखते हैं टेक्निकल सेटअप के हिसाब से और कहां से टेक्निकल सेटअप क्या बोलोगे कि छोड़ दो इसे? सर टेक्निकल सेटअप के हिसाब से अगर ये 155 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो मैं इसमें से एग्जिट होने की सलाह दूंगा, और ये मोटा मोटा अपने ट्रेडिंग रेंज के अपर जोन के ऊपर है और यहाँ से अगर ये क्रॉस करता है तो मैं यहाँ पे 200 तक के लेवल देख सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मतलब मुझे 180 की क्लोजिंग चाहिए ओएनजीसी के ऊपर। अच्छा एक बार ना ये ऑयल इंडिया और गेल भी देख लेते हैं क्योंकि जो खबर है वो इन्हीं स्टॉक्स पे इस समय इंपैक्ट ज्यादा डाल रही है। ऑयल इंडिया फिलहाल 247 पे कर रहा है कामकाज, उतनी बड़ी तेजी आज नहीं बनी, आपका कहना बिल्कुल सही कि ऊपरी एंड पे अटक भी रहे हैं ये स्टॉक। कोई भी अगर पॉजिटिव खबर आ गई ग्लोबल मार्केट पे और क्रूड कूल ऑफ हो गया तो उसके बाद झटका भी लग सकता है, तो ध्यान से कॉशियसली रैली ऑलरेडी बन चुकी है। ऑयल इंडिया 247 टारगेट स्टॉप लॉस अपर रेंज सर, ऑयल इंडिया का स्टॉप लॉस मैं लूंगा सर 232 का और इसका टारगेट सर मेरा रहेगा रफली 265 से 270 का, लेकिन मैं इसमें बहुत एग्रेसिवली बाइंग करने की सलाह अभी नहीं दूंगा। आप करें तो अगर आपको ये काउंटर पसंद ही है तो आप इसमें 2-3 ट्रांजेस लगा दें और साथ में प्रॉफिट बुक करें और धीरे धीरे मतलब है ना उसमें से पैसा निकालते रहें। अच्छा एक और खबर दे दूं कॉमोडिटी मार्केट से, और ये हमने पिछले हफ्ते से ही बोलना शुरू कर दिया था अभी तक पे कि कॉमोडिटी कीमतें ड्राइव करेंगे इस समय मार्केट को और कॉमोडिटी स्टॉक्स में बन सकता है एक्शन। निकल कीमतें 15% उछल गई आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में। हम एल्यूमिनियम का एक स्टॉक आपको दिखाते हैं क्योंकि रशिया जो टेंशन हुई है रशिया यूक्रेन के बीच में उसमें ये स्टॉक बार बार रेडार पर आया। अब खैर इवेंट बहुत ज्यादा लंबे समय तक खिंच चुका है और ये ऑलरेडी तेजी बन चुकी है, लेकिन ये है हिंडालको आपके सामने और ये देखिए बाजार गिर रहा है लेकिन हिंडालको कहाँ है, हिंडालको 600 के लेवल को दस्तक दे रहा है। सर आपके कमेंट्स हिंडालको पे, और आज एक रिपोर्ट भी थी जेफरीज की जिसमें बोल रहे हैं 700 चले जाएगा FY23 FY24 EPS अनुमान 5 से 11% बढ़ा है। देखिए मैं दर्शकों को बोल दूं कि जो ये जो ब्रोकरेज हाउसेज रिपोर्ट्स है ना ये सिर्फ आपको टारगेट्स फंडामेंटल तौर पर बताती हैं, इवेंट प्ले होता है कई बार, कॉशियस रहिए।
इस समय बाजार पे दो तरफा चाल देखने को मिल सकती है। ऐसा है नहीं कि हिंडालको चढ़ रहा है तो चढ़ता ही रहेगा, अगर ग्लोबल कीमतें एकदम से गिरी तो हिंडालको भी गिरेगा, ONGC भी गिरेगा, ऑयल इंडिया भी गिरेगा। तो आपको कॉशियसली बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनी में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करनी है। एकदम से उछलेंगे तो वही बात हो जाएगी कि आपने ट्रेडिंग की। अभी के हिसाब से हिंडालको सरताज बना हुआ है, 600 के लेवल पे है, क्या करना चाहिए? सर बने रहें बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस के अंदर अभी फ्लेम बाकी है, और मुझे लगता है हिंडालको एक फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। आदित्य बिरला ग्रुप वैसे भी मतलब नोन है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और वेल्थ बिल्ड करने के अंदर, तो बने रहें इसके अंदर। लेकिन इसको एक ट्रेड की तरह से नहीं देखें। मेरा हिंडालको के अंदर पर्सनल टारगेट 950 के आसपास का है, लेकिन ये अगेन फंडामेंटल टारगेट है बिकॉज एक तो इनको प्राइसिंग का बहुत बेनिफिट है, LME प्राइजेस जो इंक्रीज हो रही हैं सारे कॉमोडिटीज के ऊपर, उसका यह डायरेक्ट प्रॉक्सी है। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो फंडामेंटली अगर आप हैं तो आप इसके ऊपर बने रहें। बहुत अच्छा स्टॉक है, 40 रुपए था ये 2008-2009 के अंदर जब लेमन ब्रदर क्रैश हुआ था, 40 रुपए से लेके इसने मतलब 600 रुपए की जर्नी तय करी है। तो बिल्कुल बिजनेस के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, बिजनेस हाउस बहुत अच्छा है जो इस बिजनेस को कंट्रोल करता है, और दे आर वेरी यू नो प्रोफाइंड इन टर्म्स ऑफ यू नो कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो मुझे इस स्टॉक में पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज नजर आती हैं, इसमें बिल्कुल बने रहें और इसमें आप नया पैसा भी डाल सकते हैं। सर ये तो जब ये रेट्स अपडेट होने शुरू हुए ना NSE के, तो 50 पॉइंट्स और साफ हो गए सर। ये तो मतलब फिर अब मार्जिन पिक्चर जो है, ये जो मार्जिन ट्रिगर कॉल है, मार्जिन कॉल्स ट्रिगर जो हो रही है, वो भी थोड़ा दिक्कत पैदा कर रही है मार्केट पे। 15,757 के लेवल पे निफ्टी आ चुका है और 32,906 के लेवल पे निफ्टी बैंक, धड़ाम हुआ है बाजार खुलते ही आज के सत्र में। अच्छा ये ना एक जनरल इंश्योरेंस कंपनियों पे खबर है, ICICI लॉम्बार्ड जैसी कंपनियां और जो सरकारी कंपनियां हैं उस पर खबर ये कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम के दाम जो है वो April 1 से बढ़ने जा रहे हैं और इस पर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब ये जो क्वांटम होगा वो मेरे ख्याल से 6% से 23% थर्ड पार्टी पॉलिसीज जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। ICICI लॉम्बार्ड, ये ICICI जनरल इंश्योरेंस मतलब की, एक बार इसका चार्ट में लगा देता हूँ व्यूअर्स के लिए और उसके बाद आपके कमेंट्स पूछूंगा इस पे, कुछ दम है क्या इस चार्ट में? ICICI जनरल इंश्योरेंस 1,192 के लेवल पे है, आज नीचे गिर रहा है। आपके कमेंट्स और इस पे एक रिपोर्ट भी थी मेरे ख्याल से मॉर्गन स्टेनली की, वो रिपोर्ट थी, जी हाँ मॉर्गन स्टेनली बोल रहा है ओवरवेट है वो, 1,920 का टारगेट लेकर चल रहे हैं लेकिन स्टॉक है 1,100-1,200 के लेवल पे। और ऑप्टिमिस्टिक हैं क्या मॉर्गन स्टेनली या फिर आपको लगता है कि वाकई पलट सकता है इसका? सर ये मतलब ओवरसोल्ड कैटेगरी के अंदर है, यहाँ से एक जंप इसके अंदर आ सकता है, लेकिन अगेन ये सब कुछ डिपेंड करेगा ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर निफ्टी यहाँ से मूव करता है तो डेफिनेटली इन सभी स्टॉक्स के अंदर मूव आएगा, लेकिन पर्सनली मैं इंश्योरेंस सेक्टर्स को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ बिकॉज आप कभी भी किसी से भी बात करें, कोई भी रिपोर्ट देखें तो वो 10 साल 12 साल का होल्डिंग की बात करते हैं। 2010 के अंदर भी ये बोलते थे कि 10 साल का व्यू लेके बाय करना चाहिए, आज 2020-22 के अंदर भी ये बोलते हैं कि 10 साल का व्यू लेके बाय करना चाहिए। इंडियन रिटेल सरकारी ऊपर नीचे हो रही है देश, 10 साल में आप बिजनेस, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस प्लान भी 3-5 साल से ज्यादा आप मतलब फोर्सी नहीं कर पाते हैं। तो ये 10 साल की स्टोरी मुझे कहीं डाइजेस्ट नहीं होती है, तो बेटर है कि इसे आप एज ए ट्रेड लें रादर देन एज एन इन्वेस्टमेंट, और इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब भी मार्केट मूव होगा ये सभी स्टॉक्स चलेंगे, तो अगर किसी की पोजीशन है तो वहां पर मतलब है ना एक अभी तो बहुत नीचे गिर चुका है तो मैं स्क्वायर ऑफ करने की सलाह नहीं दूंगा, थोड़ा सा वेट करें और मोर ऑफ इन स्ट्रेटजी से एक ट्रेड की तरह आप रखें। हाँ पर ये लगातार टूटता स्टॉक है, और ये बता दूं कि जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज वो महंगी होने जा रही है 1 अप्रैल से ऑटो इंश्योरेंस, तो ध्यान रखें ICICI जनरल इंश्योरेंस और बाकी की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों पे। अच्छा दो स्टॉक्स तो पूछने होंगे क्योंकि एक रूसी एक्सपोजर बहुत ज्यादा है और दूसरा क्रूड का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। पहला रूसी एक्सपोजर वाला है डॉक्टर रेड्डीज, CLSA की आज राय आई है 5100 का टारगेट, बाय रेटिंग बरकरार, लेकिन उन्होंने बिक्री अनुमान घटा दिया है और 2 साल का ये FY22-FY24 में बोल रहे हैं 11-34% बिक्री घटेगी इनकी, EPS अनुमान भी 3-9% घटा दिया है। डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट आपकी स्क्रीन पे, रशियन एक्सपोजर भी है इस कंपनी का, 3694 टारगेट है 5100, हो सकता है क्या पलट सकता है क्या स्टॉक? सर बहुत अंडर परफॉर्मर है फार्मा सेक्टर, आप पिछले 8 महीने से देखें और पर्टिकुलरली अगर आप Q2 देखेंगे तो Q2 के अंदर फार्मा सेक्टर का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता है। अब वो डॉक्टर रेड्डी हो, ल्यूपिन हो, स्टार हो, आप देखें पिछले 8 महीने से ये बहुत बड़े लेगार्ड हैं, ना इन्होंने तेजी में पार्टिसिपेट किया है और जब मंदी आती है तब भी मतलब है ना इनके अंदर कोई बहुत लैकलस्टर मूव नहीं मिलता है। ठीक है,
रादर देन मतलब है ना फार्मा आपको प्ले करना, अगर आपको फार्मा प्ले करना ही है तो हमें बेसिकली हॉस्पिटल इंडस्ट्री जैसे अपोलो हॉस्पिटल है या जो लैब इंडस्ट्री है उनको प्ले करने में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, बिकॉज ये वो इंडस्ट्रीज हैं पर्टिकुलरली डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, सन फार्मा, जहां पर कभी कभी भी कोई भी न्यूज आती है, कभी भी इनकी कोई भी मेडिसिन पास होती है, कभी नहीं होती है, कभी यूएस एफडीए से कुछ इश्यूज इनमें इमर्ज होते रहते हैं, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। हाँ, मैं इसके Q4 के रिजल्ट एक बार देखना चाहूंगा, Q4 के रिजल्ट्स अगर इनमें अच्छा आते हैं, ग्लोबली अगर ये अच्छा करते हैं, तो हम इसमें एक लोअर लेवल पे एंट्री कर सकते हैं, बट अभी मेरा इसके ऊपर बाय का मूड नहीं है। यहाँ से मुझे लगता है मैं रेट्स प्रॉपर्ली मेरे यहाँ रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं डॉक्टर रेड्डी के, आप मुझे एक बार करंट मार्केट प्राइस बता दे। तो 3691 पे है सर, मेरे भी यहाँ पर रेट्स जो डॉक्टर रेड्डी पे 3691 बहुत देर से ही चल रहा है सर। हाँ, तो रफली आप इसमें मान के चले कि 3500 के आसपास इसका एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, एक बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर बन सकता है। अगर 3500 के आसपास 3500 अगर ये तोड़ता है तो आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर लें पोजीशन, अदरवाइज आप 4000-4200 के लिए इसमें रह सकते हैं। और बात वही है ना कि हिंडालको बन गया है टॉप गेनर और ये अब फिर से निचले स्तरों से इसने दिखानी शुरू कर दिया चाल, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आज के दमदार सौदे हैं वो भी आपकी स्क्रीन पे आते चले जाएंगे। 603 के लेवल को हिंडालको जो है वो पार करता हुआ, दिन की ऊंचाइयां छूता हुआ बाजार दिन की निचले स्तर पे कर रहा है काम का। एशियन पेंट्स पे रिपोर्ट, जैसे मैंने कहा क्रूड का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है स्टॉक पे, बहुत भयंकर इंपैक्ट। मैं वो एक बार व्यूअर्स को दिखा दूं कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि एशियन पेंट्स में एकदम से ताबड़तोड़ खरीदारी वाली देखने को मिली। ये है डेली चार्ट और ये देखिए आप बाजार में कितनी जबरदस्त पकड़ थी, 3600 के लेवल तक पहुंच गया था ये स्टॉक, लेकिन अब 2634 के लेवल पे कर रहा है कामकाज। और रिपोर्ट है आज मैक्वायरी की, आउट परफॉर्म रेटिंग तो मानते हैं, 3800 तक जा सकता है, 3800 तो अच्छे समय तक भी आ सकता है ये स्टॉक, लेकिन वो कह रहे हैं कि FY22, FY23, FY24 EPS अनुमान 1% घटाया, 4% घटाया और 2% घटाया। घटना तो था ही क्योंकि क्रूड चल पड़ा 138 हो गया, कहां एशियन पेंट्स एंजॉय कर रहा था जब क्रूड नीचे था। तो अब बताएं यहाँ खरीद लें क्या, कुछ है हिम्मत कुछ आप निवेशकों को? सर बिल्कुल, मैं बिल्कुल बोलूंगा कि इस स्टॉक के अंदर आप SIP करना स्टार्ट करें इन लेवल्स के आसपास, ये बहुत अच्छे लेवल्स हैं, ये एक वेल्थ क्रिएटर है और इसे एक लॉन्ग टर्म की तरह रखें। सी, दो रीजन है, पहला तो ये कि अभी पेंट की एज सच कोई हाउस होल्ड डिमांड नहीं है बिकॉज वो सीजन निकल गया, लेकिन जब वो सीजन वापस आएगा, जब क्रूड ऑयल के प्राइस थोड़े से सॉफ्टन होना स्टार्ट होंगे, डेफिनेटली ये फर्स्ट मूवर होगा और आपको एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो पिक अवेलेबल है अभी कम प्राइसिंग के ऊपर। तो इस पर ट्रेडिंग बैट न लेते हुए इसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें, 10-15% का आप हर 200 पॉइंट की गिरावट पे आप इसमें ऐड करते चलें और इसको सिस्टमेटिकली तरीके से होल्ड करें, ये स्टॉक पैसा बनाकर देगा। मोतीलाल ओसवाल जी, रामलाल जी का ये फेवरेट पिक है और उन्होंने वेल्थ बना के दिया है, तो जब वो उसके ऊपर बैंक कर रहे हैं और वो आज भी रिग्रेट है कि मतलब हम इनके कुछ शेयर सेल करें, तो आपको क्यों सेल करना है? सी रजत जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पर, सी देखिए, अब टाटा, बिड़लास, गोदरेज, अडानी, रिलायंस सभी के शेयर गिर रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा शेयर नहीं है कि वो शेयर नहीं गिर रहा है, लेकिन जब करोड़ों रुपए का मार्केट कैप ये कंपनी के प्रमोटर्स ओन करते हैं वो चिंता में नहीं है, तो आपका और हमारा और हमारे व्यूअर्स का इन्वेस्टमेंट साइज है ही कितना, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ज्यादा से ज्यादा एक स्टॉक में। तो जब बिजनेसेस अच्छे हैं, जब बिजनेस को चलाने वाले अच्छे हैं और अगर उनको निकलने की जल्दी नहीं है तो हमें क्यों निकलना है? आपको और हमें सिर्फ एक चीज, उनके पास ना करोड़ों पैसे हैं और निवेशकों के पास ना बहुत नहीं सर, वो एक शेयर खरीद लेते हैं ना तो ये समझ लीजिए उन्होंने बिजनेस खरीद लिया, खरीदते तो वो बिजनेस है नहीं, वैसे वो सोचते हैं कि फटाफट से पैसा बन जाएगा, अल्टीमेटली यही प्रॉब्लम है, वो बिजनेस खरीद लेते हैं और बिजनेस अच्छा चलेगा तो पैसा बनेगा शेयर मार्केट में, नहीं चलेगा तो नहीं, और बीच में हो जाएगी ग्लोबल मार्केट में उठापटक, इसको फैक्टर नहीं करते वो खरीदते समय, और बिल्कुल वही इस बार भी हुआ। अब अगर एशियन पेंट्स देखिए, बिजनेस तो बहुत बढ़िया, देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी, अब वो वाली कंपनियां भी जिनमें कर्ज बहुत कम है, बाजार उनको भी ट्रैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसी कंपनियों की भी हालत जब ऐसी गिरावट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं टेंशन हो जाती है माटा साहब, और बिल्कुल वही निवेशक ना इसको लेकर बहुत चिंतित है कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक HDFC बैंक HDFC लाइफ 52 हफ्ते के निचले स्तर पर चल रहे हैं सर, ब्रिटानिया 52 हफ्ते के निचले स्तर पर चल रहा है, एशियन पेंट्स तो खैर सामने ही चार्ट लगा हुआ है, ये बहुत बड़ी टेंशन हो रही है। हाँ ठीक है, ये कंपनी अच्छी है तो क्या लेवल, पैनिक नहीं करें और बने रहें स्टॉक के ऊपर, अच्छा स्टॉक है और इसको हर गिरावट में ऐड करें, इसका मंथली जो वीकली जो मतलब है ना इसका 200 डे में बैठ रहा है, वीकली जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो रफली 2000 के आसपास बैठ रहा है, अभी ये डेली बेसिस के ऊपर मतलब इसने जरूर मतलब 200 डे मा को क्रॉस करा है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरसोल्ड कैटेगरी के अंदर है, RSI इसका बहुत नीचे है और थोड़ा सा मार्केट का सपोर्ट आएगा तो ये डेफिनेटली आपको 3000 तक के लेवल्स दिखाएगा, तो डेफिनेटली बने रहे हैं इस स्टॉक के अंदर।
चलिए अब ना सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि ये मेरे पास ताबड़तोड़ सवाल आते चले जा रहे हैं। और दीपक कुमार जी पूछ रहे हैं ये कौन सा स्टॉक है, इनफैक्ट अगर उसके फुल फॉर्म लिख के भेज दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा दीपक कुमार जी। दूसरा है एक सोना कॉमस्टार, नितिन गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि इस पे बताएं सोना कॉमस्टार कैसे लग रहा है आपको। दिस सोना बीएमडब्ल्यू प्रिसिजन हाँ राइट, सोना बीएमडब्ल्यू, यस जो अभी 554 के आसपास चल रहा है बिल्कुल सही राइट है। और वो बोल रहे हैं कि सर उन्होंने बहुत थोड़ा। ऊंचा खरीद लिया सर, उन्होंने खरीद लिया 730 के आसपास। ओके सर, इसके ऊपर 550 का स्टॉप लॉस बना के रखें, 550 अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो ये बहुत जल्दी 600 तक के लेवल आपको दिखाएगा। 550 तो बहुत, 4 रुपए रह गए ऐसी हाँ मार्केट में, मतलब वो लगा के मंदिर रखना तो पड़ेगा, गया अदरवाइज सर। क्योंकि वो तोड़ता है आरली बेसिस के अंदर, वो अगर तोड़ता है तो बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आएगा, और इसके अंदर सेलिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है आरली बेसिस की कैंडल के ऊपर, तो 550 एक इसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, एक एक दो रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर वो तोड़ता है तो पोजिशन में से मैं बोलूंगा कि शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट करना चाहिए, और 555-60 अगर क्रॉस करता है तो इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम बन सकता है, उस हिसाब से अपनी पोजिशन को मैनेज करें। अच्छा अविनाश जी पूछ रहे हैं IRCTC के ऊपर कमेंट दीजिए, IRCTC का चार्ट भी मैं व्यूअर्स के लिए लगा देता हूँ। IRCTC फिलहाल कर रहा है 715 के लेवल पे काम काज, और ये तो खैर 920 के लेवल से जो टूटना शुरू हुआ था उसके बाद लगा था कि 700 750 के आसपास रुक जाएगा, लेकिन इस बाजार के गिरावट ने ये वाला लेवल भी निकाल दिया स्टॉक ने, और अब 700 के लेवल को ब्रीच करने जा रहा है। क्या करना चाहिए सर इसमें? सर ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर मतलब है ना सभी रिटेलर का ये फेवरेट स्टॉक है, और रिटेलर इसके ऊपर 3,000 रुपये भी मैं भी एंट्री करने के लिए रेडी था, और आज 700-800 रुपये के आसपास भी ये रिटेलर्स का यू नो फेवरेट स्टॉक है। ऐसी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं अभी मूव के अंदर है, मार्केट कल भी गिरा परसों भी गिरा, उसकी वजह से इसमें एक फॉल आया, इसने 800 का लेवल तो यू नो तोड़ा है। अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो उसके ऊपर 675 का एक स्टॉप लॉस लगा के बने रहें फॉर अ टारगेट ऑफ अगेन 800, और अगर किसी को नया पैसा डालना है और मार्केट अगर फॉल करता है तो डेफिनेटली वहां पर इस काउंटर को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें। दीपेंद्र कुमार जी पूछ रहे हैं अदानी पावर, इन्होंने लिख के दे दिया कहाँ पर खरीदा ये नहीं पता, लेकिन अदानी पावर पे चाहते हैं संदीप जी आपके कमेंट्स। अदानी पावर पहुंच गया 116 के लेवल पे गिरते गिरते, क्या करना चाहिए उसको? सी एक बहुत रेंज बाउंड ट्रेड है ये, 90 रुपीज से लेके 120-125 तक के आसपास का इसमें एक रेंज बना हुआ है, आरली बेसिस के ऊपर ये ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछली 2 या 3 कैंडल जो है वो ग्रीन बनी हुई है, तो एक इसमें मूवमेंट आ सकता है, मार्केट नीचे है इसकी वजह से इसके अंदर वॉल्यूम जनरेशन नहीं हुआ है, अदरवाइज मतलब है ना अभी भी ये पॉजिटिव जोन में बना हुआ है, 105 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें बने रहें, आपको बहुत जल्दी इसके ऊपर 125-130 के टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट गिरा तो ये भी गिरेगा शेयर। उस पर नंदन कुमार जी पूछ रहे हैं कि डॉक्टर लाल पाथ लैब इन्होंने खरीदा है, और ये स्टॉक इन्होंने खरीदा है 3,850 के स्तर पर, बहुत ऊपर खरीदे नंदन जी आपकी। सर ये तो बाजार के साथ साथ लुढ़कता ही चला गया, रुकेगा अभी क्या, किस लेवल पे रुकेगा आप ये बताएं। नहीं, इनके वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके थे, पर्टिकुलरली कोविड रिलेटेड टेस्टिंग को लेके, और बहुत से इन्वेस्टर्स ने वहाँ पर मतलब है ना इसमें एंट्री किया है। ये बेसिकली मुझे वैल्यूएशन करेक्शन का ज़्यादा केस लग रहा है रादर देन यू नो मार्केट फॉल, तो इसका जो फेयर वैल्यूएशन इन्हीं लेवल के आसपास है, अगर आप इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी देखेंगे तो 2300-2400 के आसपास का लॉन्ग टर्म सपोर्ट बैठता है, और यहाँ पर मैं इनको भी एग्जिट करने की राय नहीं दूंगा बिकॉज बहुत नीचे आ चुके हैं अपनी प्राइस से, लेकिन मतलब मेरे लिए ये अवॉइड लिस्ट के अंदर है, अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजिशन है इसके अंदर तो आर्ली बेसिस के ऊपर इसके अंदर ये जब तक 2500 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसके अंदर तेजी का मूव नहीं बनेगा। टाटा मोटर्स आशीष यादव जी के पास है और वो बोल रहे हैं कि उन्होंने टाटा मोटर्स खरीदा है, भाव उन्होंने क्या बताया, 500 के स्तर पे खरीदा है टाटा मोटर्स। देखिए ये तब खरीदा होगा जब सबको इस टाटा मोटर्स के बारे में बात कर रहा था, बजट में भी टाटा मोटर्स के बारे में बात हो रही थी, और बजट जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही शेयर हो गया धड़ाम, 396 के लेवल पे पहुंच चुका है, और यूरोपियन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, क्या करना चाहिए? सर मेरा ये व्यू इसके अंदर टाटा मोटर्स के अंदर बने रहें, 400 रुपये के आसपास इसका एक सपोर्ट दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट के अंदर, और अच्छी स्टोरी है, ईवी का एक डायरेक्ट प्ले है टाटा मोटर, बने रहें। हाँ थोड़ा ये 350 के लेवल तक आ सकता है मार्केट की फॉल के साथ में, वहाँ पर मैं उसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की राय दूंगा, वहाँ पर अपना पैसा इसके अंदर और डाल के पोजिशन को थोड़ा एवरेज कर सकते हैं, यहाँ से निकलने की राय नहीं है मेरे मेरे पास। विनोद कुमार जी को थोड़ी टेंशन हो रही है और वो बोल रहे हैं
क्योंकि उन्होंने इमोजी जो बनाई है ना, वो उन्होंने थोड़ा रोने वाली बनाई है। तो विनोद जी चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं, इस बार बाजार की गिरावट है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल सही मौका है आपके पास। दीपक नाइट्राइट है आपके पास, चलिए मैं उस पर सवाल पूछना। दीपक नाइट्राइट लिए हैं 2400 के स्तर पे, थोड़ा घबरा गए हैं अभी, 1850 पे, सर इनका थोड़ा डर कम करें, क्या करना चाहिए दीपक नाइट्राइट पे? सर बहुत अच्छी कंपनी है, 24 का पीई मल्टीपल है इसका, कंपेयर टू यू नो अदर स्टॉक्स जो न्यू एज कंपनी जो लिस्टेड हो रही है मार्केट के अंदर, उनके वैल्यूएशन इसके वैल्यूएशन में तो बहुत डिफरेंस है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं, 40 का आरओआई है बिजनेस के अंदर, इनको डरना ही नहीं चाहिए। अगर मार्केट गिरा, ऐसी मार्केट को हम बाय करते हैं ऊपर के लेवल पे, अगर किसी काउंटर को अगर नीचे गिरता है तो हम उसमें ये देखें कि अगर बिजनेस अच्छा है तो वहां पर हम हमारी पोजीशन को एवरेज करें। अगर इसका ओपन इंटरेस्ट देखूं तो हालांकि वॉल्यूम कम है लेकिन 1850-1800 के आसपास इसका पुट राइटिंग है, और मुझे लगता है कि इसको खरीदा जा सकता है, एक्यूमुलेट करना चाहिए इसको। मेरे इसके इमीडिएट मीडियम टर्म टारगेट जो है वो 2700 के लेवल के आसपास है, तो बने रहें इस बिजनेस के अंदर। ये बिजनेस आपको कभी भी मतलब है ना आपकी कॉस्ट ही कवर नहीं करेगा, आपको अच्छा रिटर्न भी बना के देगा। बस हाँ, अगर नीचे जाता है तो आप थोड़ा सा इसमें एडिशनल पैसा डालें और उस बेनिफिट को, एवरेजिंग के बेनिफिट को रीप करें। देवांश पटेल जी बोल रहे हैं आईओसी में क्या करें अभी, और देखिए ये तो प्रश्न चिन्ह है क्योंकि तेल की कीमतें जो बढ़ी है ना, पेट्रोल डीजल कंपनियों को हो रहा है नुकसान, तो वो तो बढ़ाएंगे दाम, ये तो बात अब लगभग तय है। पहले तो आईओसी का चार्ट दर्शकों के लिए, 113 के लेवल पे है ये स्टॉक, और ये जो मैं नुकसान की बात कर रहा हूँ ना, क्रूड चल रहा है और एकदम से आईओसी बीपीसीएल एचपीसीएल पे आप देखेंगे कि झटके लगते हुए, अब देखते हैं कि 10 तारीख को क्या फैसला होता है, और पेट्रोल डीजल की कीमतें तो बढ़ेंगी ऐसा लग रहा है। आईओसी फिलहाल 112 के लेवल पे है सर, क्या करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है इस काउंटर के अंदर, हालांकि ये अपने पिछले अगर इसके सपोर्ट के लेवल के आसपास ही 110-112 के आसपास का सपोर्ट आ रहा है। सी इसमें प्रॉब्लम ये है सर कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है, इनकी कॉस्टिंग बढ़ रही है, लेकिन पास ऑन करना मतलब है ना आज के सिनारियो में इनके हाथ में ज्यादा है नहीं, ये सारा पॉलिटिकल ड्रिवन सिस्टम ज्यादा है पास ऑन के केस के अंदर। तो कब ये पास ऑन करने की कैपेबिलिटी में आ पाते हैं, कितना ये पास ऑन करते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ ही तो निर्भर करेगा, लेकिन ये एक अच्छी डिविडेंड स्टोरी भी है, तो आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट बनाकर रखें। और मुझे लगता है कि 10-11% के आसपास का इसका डिविडेंड यील्ड है, 4 का इसका पी मल्टीपल है, 20% का आरओआई है, तो फंडामेंटल तो बहुत अच्छे हैं। और कभी भी अगर डिसइन्वेस्टमेंट की थ्योरी इमर्ज होती है तो ये फर्स्ट कैंडिडेट होंगे जो भारत रत्न वाले कैंडिडेट हैं, नवरत्न है बेसिकली ये, तो वहां पर आपको जरूर यू नो वैल्यू पैकिंग मिलेगा। अभी इसमें से नहीं निकले, थोड़ा नीचे अगर आता है तो आप इसके ऊपर कॉल ऑप्शन के साथ में यू नो एंट्री कर सकते हैं, थोड़ा सा 110-112 का कॉल ऑप्शन आप ट्राई करें और वहां पर अपनी प्राइस को यू नो इस तरह से एडजस्ट करने का यू नो कोशिश करें, लेकिन अभी इस काउंटर के अंदर बने रहें। कुछ स्टॉक भी मैं व्यूअर्स के रडार पर रख दूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो स्टॉक्स चढ़ रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए बाजार पे। आज गिरते बाजार में भारती एयरटेल कुछ पलटने की कोशिश कर रहा है निचले स्तरों से, देखिए कन्विक्शन तो अब लौटेगा कब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बाजार नीचे जा रहा था, भारती एयरटेल ऊपर जा रहा था, मेरे रडार पर आ गया इसलिए मैंने आपको बताया। और एक है फिर से आईटी स्टॉक्स में कुछ खरीदारी डेफिनेटली देखने को मिली है, जिसमें एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये स्टॉक लोअर लेवल से कुछ पुल बैक शो कर रहा है और इसमें थोड़े सौदे भी बड़े बड़े होते हुए नजर आए हैं। और मुद्दा यही है कि HCL टेक्नोलॉजीज एक और कंपनी जो लोअर लेवल से कुछ पुलबैक के संकेत दे रहे हैं, शुरुआत बहुत ज्यादा नेगेटिव हुई थी लेकिन हाँ अब निचले स्तरों से कुछ पलट रहे हैं आईटी स्टॉक्स। सर एक विप्रो के ऊपर सवाल आया था, मैं दर्शक का नाम इसमें मिस करूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेज हैं मेरे पास, तो विप्रो पे एक बार आपके कमेंट्स चाहिए, कैसा लग रहा है ये स्टॉक? सर इफ यू अलाउ विप्रो से पहले मैं भारती के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा, मुझे इसके चार्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। चार्ट लगाते हैं सर एक मिनट, हाँ भारती आप बताएं। भारती सर भारती एयरटेल बहुत अच्छा लग रहा है, इसने परफेक्ट 200 एमआ से एक अच्छी कैंडल बनाई है आज। आज अगर आज ये कैंडल कोई रेस्पेक्ट करता है और आज के लो को नीचे क्रॉस नहीं करता है तो हम डेफिनेटली इसके अंदर रफली 700 के आसपास के यू नो अपसाइड ट्रेंड इसमें देखा जा सकता है। बहुत अच्छे लेवल से रिवर्सल दिखाया है, बेस फॉर्मेशन इसका आर्ली बेसिस के ऊपर, आर्ली कैंडल पे हो चुका है 640 के लेवल के ऊपर, तीसरी कैंडल है आर्ली बेसिस के ऊपर जहां पर ये अपटिक कंटिन्यूसली बना रहा है और अपने आर्ली हाई को ये हर बार क्रॉस कर रहा है, बहुत अच्छा चार्ट फॉर्मेशन बन रहा है। आज की डेली क्लोजिंग अगर इन्हीं लेवल के आसपास अगर हो गई तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर मतलब ना ओवर बाय की कॉल दूंगा।
और आईटी सर, क्योंकि मेरे रेडार पर ना इसमें एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, आप विप्रो पे कमेंट कर दीजिए, वहां पर भी विप्रो सर, सी एंटायर आईटी सेगमेंट इज गोइंग टू गिव यू अ गुड गुड दिस व्हाट आई वुड से, ये अभी के टाइम की डिफेंसिव स्टोरी है, बिकॉज आपका करेंसी इंक्रीज हो रहा है। आज डॉलर 77 के आस के लेवल को क्रॉस कर चुका है, और वहां पर करेंसी अगर इंक्रीज होता है तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जो है वो इसकी बेस्ट बेनिफिशरीज होती है, बने रहे। इसका एक सेकंड मूव मैं ये भी देखता हूँ कि जो यूरोप में और पर्टिकुलरली यूक्रेन, रशिया और ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो इश्यूज हैं अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, वहां पर जो ऑफशोरिंग एक्टिविटीज हैं, मुझे लगता है कि इंडिया एक उसका बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, और वहां का बहुत सा बिजनेस इंडिया में मिल सकता है। अगर आप देखें इंफोसिस हो गया, या अभी हिटाची हो गया, या ये महिंद्रा ने भी अभी वहां पर एक कंपनी को एक्वायर करा था, तो इंडिया ने वहां पर कैपेसिटी बिल्ड करी है, और वो सारी ऑफशोरिंग एक्टिविटी इंडिया में आ सकती है। प्लस एप्लीकेशन या टेक्नोलॉजी एक हाउसहोल्ड नेम अब बन चुका है, और यहाँ पर एक फंडामेंटल डिमांड इमर्ज हो रही है, तो आईटी वुड बी अ बेस्ट बेट। 17-18% के आसपास इसका निफ्टी में कंपोनेंट है इन टर्म्स ऑफ निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूट, तो अगर ये मूव करेगा तो इसके साथ में बैंकिंग भी परफॉर्म करेगा, और ये मार्केट का ओवरऑल माहौल सुधारने में बहुत हेल्प करेगा। विप्रो की जहां तक मैं बात करूं, स्पेशली विप्रो का बेस फॉर्मेशन चार्ट में विजिबल है, डेली बेसिस के ऊपर 535-536 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, और ये काउंटर बहुत जल्दी 620-630 के लेवल को क्रॉस करेगा। लेकिन 620 के लेवल पे आपको सेल नहीं करना है, वहां से इसमें एक नई तेजी का चैप्टर स्टार्ट होगा, जो इस काउंटर को रफली 679 के आसपास तक लेकर जाएगा। बने रहे काउंटर के अंदर, आईटी इज अ डिफेंसिव बेट एज ऑफ नाउ। आईटी में ना टीसीएस के ऊपर कवर थी कि उन्होंने रिकॉर्ड डेट जो रखी थी उसमें, अब इनकी बायबैक डेट आ गई है, और जो बायबैक डेट है वो है 9 से 23 मार्च को ये बायबैक खुलता हुआ नजर आएगा, यानी कि 23 मार्च 5 बजे को, 5 बजे ये बायबैक बंद होगा। क्योंकि टीसीएस का चार्ट स्क्रीन पे लगा दो, इसमें दो कैटेगरीज बना दी गई रिटेलर्स के लिए, एक है जनरल और एक है रिजर्व। रिजर्व में लगभग 14.5% शेयर जो है वो वापस ले रही है कंपनी, 7 शेयरों पर 1 शेयर वापस लिया जाएगा, और जनरल कैटेगरी में 108 शेयर पे 1 शेयर वापस लिया जाएगा। प्रमोटर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बायबैक में। 3510 एक रेंज में फंस जाएगा सर ये स्टॉक, 4500 का बायबैक तो वो रेंज में फंस जाएगा सर। ये रेंज इसकी यही है, ये रेंज रहेगा सर 3350 से लेके रफली 3700 का रेंज रहेगा, बिकॉज रिटेल का पार्टिसिपेशन अच्छा हुआ है टीसीएस के बायबैक के अंदर। और मतलब है ना, जनरल अगर देखा जाए ऑन अ लाइटर नोट, तो जिस सेगमेंट के अंदर रिटेल घुसता है, जहां पर रिटेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा है, वहां पर स्टॉक मार्केट उस रिटेलर को पैसा बनाने नहीं देता है। तो जब तक ये बायबैक की स्टोरी कूल ऑफ नहीं होती है, जब तक लोगों को अलोकेशन नहीं मिल जाते उनके, तब तक मुझे लगता है कि इस काउंटर को अवॉइड करना चाहिए। रादर हमें इंफोसिस, विप्रो, LTTS, इन सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए कंपेयर टू TCS। अच्छा, बाजार ना डिफेंसिव हो रहा है, ये मैं बात दोबारा करूंगा अभी। पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज पे जानते हैं, हैवी वेट है और बाजार पे डेफिनेटली इसका असर भी आता हुआ नजर आएगा। निचले स्तरों से कुछ पलटने की कोशिश कर रहा है 2258। इनका आज जो खबर थी वो है ये कि इन्होंने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर खोला, जिसमें रिटेल स्पेस, कल्चर सेंटर, रेस्टोरेंट, सर्विस अपार्टमेंट्स, ऑफिस, कन्वेंशन फैसिलिटीज सब होंगे। जियो वर्ल्ड सेंटर खोला गया मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, और एक रिपोर्ट भी थी आज रिलायंस इंडस्ट्रीज मॉर्गन स्टैनली के, वो बोल रहे हैं 2926 के टारगेट के साथ ये ओवरवेट हैं। आपको कैसा लग रहा है रिलायंस? सर अभी जब तक ये काउंटर 2330 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, मैं इसमें बाय की राय नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, इन्होंने जियो सेंटर खोला है, लेकिन आप ये भी देखें कि पिछले पिछले जो इनके जियो सब्सक्राइबर का डेटा आया था उसमें एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन भी हुआ था। तो अगर जब तक ये 2330-2335 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, मैं इस स्टॉक को अवॉइड ही कैटेगरी में रखूंगा, बिकॉज इसने 200 डेमा क्रॉस करा है, और जब तक अब इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग ट्रेड हो सकता है। तो मेरे लिए ये अभी अवॉइड लिस्ट में। सौरभ वर्मा जी ये व्यूअर हैं हमारे, देखिए इतनी इमोजीज बनाने की जरूरत नहीं और इतने रोने वाली इमोजीज बनाने की जरूरत नहीं। मैं आपका स्टॉक ले लेता हूँ, एक्साइड इंडस्ट्री। देखिए अभी तो दिक्कत है ऑब्वियसली ऑटो सेक्टर में, एक्साइड इंडस्ट्रीज देखिए माटा साहब, इन्होंने बोला है कि 168 के लेवल पे इन्होंने लिया है एक्साइड इंडस्ट्रीज, बहुत टेंशन में है। क्वांटिटी इन्होंने लिखी नहीं है जिससे हम क्वांटम आइडेंटिफाई कर पाए, लेकिन ये देखिए ताबड़तोड़ सेलिंग, कमर टूटी है खैर एक्साइड इंडस्ट्रीज की भी, पर किसी लेवल पे तो वैल्यू निकलेगी ना, तो फिर कुछ SIP करने का मौका है अगर फंड बचे हो तो। सर मैं इसमें SIP करने की राय नहीं दूंगा,
मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स का चलना और रिलेटिव परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो बेटर है कि हम किसी अच्छे केमिकल स्टॉक जैसे SRF हो गया या बालाजी अमाइंस हो गया, हम उसके ऊपर पोजीशन को शिफ्ट कर लें। अदरवाइज ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग ट्रेड हो सकता है, नया पैसा डालने की मैं यहाँ पर मतलब है ना राय नहीं दूंगा। और मैं ये बोलूंगा कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिशफल करें, जो आप मिड सेगमेंट के अंदर प्ले कर रहे हैं या स्मॉल कैप में प्ले कर रहे हैं, उससे पैसा निकाल के एटलीस्ट वहां से 60-70% पैसा निकाल के जो भी बनाए। देखिए लॉस तो हो चुका है, हम भले ही उसे बोले कि नॉस्ट्रल को लॉस है या जो भी है, लेकिन अभी हमें प्ले करना है रिकवरी के लिए। तो वहां से पैसा निकाल कर जहां पर वैल्यू बन रही है या जहां पर रिकवरी आने के चांसेस ज्यादा हैं वहां पर पैसा डालें। यहां पर मतलब है ना मेरी राय नहीं है कि इसके अंदर नया पैसा डाला जाए। अच्छा एक और स्टॉक है आईटी में HCL टेक तेज हो गया ना, उसके बाद फिर अब बारी आई है साइंट की। साइंट भी दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंचा है 915 के लेवल पे। तो आईटी में जिन्होंने शुरुआती सत्र में पैसा लगाया, बाजार जब टूटा था तो उसके बाद क्लियर कट विनर्स सामने निकल के आ रहे हैं आईटी सेक्टर में। माइंडट्री एक और ट्रेड जो अब लगभग दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंचता हुआ नजर आया। अच्छा एक बार मार्केट्स देख लेंगे कि मार्केट में आई है रिकवरी, थोड़ी सी रिकवरी तो है संदीप जी, कुछ जी। कन्विक्शन किस लेवल के ऊपर लौटेगी सर ये बता दीजिए। मैं एक बार निफ्टी का चार्ट लगा दूं, मैं जो रिकवरी की बात कर रहा हूँ वो व्यूअर्स को सिर्फ 15 मिनट के चार्ट पे समझ में आएगी, 5 या 15 मिनट के चार्ट पे। डैमेज ही ऐसा है तो फिर नहीं आएगी समझ में। ये जो ये आपको दिख रही है ये एकदम से गिरावट आई थी और उसके बाद रिकवरी, और ऊपर से रेट्स भी अपडेट नहीं हुए थे, तो ऑब्वियसली हमको ये है रिकवरी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। आज की डेली कैंडल लगानी पड़ेगी सर। ये चार्ट थोड़े बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं आज। 15,855 के लेवल पे पहुंचा है निफ्टी, यहाँ क्या करना चाहिए अभी और किस लेवल के ऊपर कन्विक्शन लौटेगी? सर बिल्कुल निफ्टी में रिकवरी के लिए प्ले किया जा सकता है, रादर देन यू नो निफ्टी फ्यूचर, बिकॉज मैं देख रहा हूँ 15,850 का कॉल ऑप्शन, 15,900 के कॉल ऑप्शन ने अपने एवरेज डेली प्राइस को क्रॉस करा है, और ये जो फ्लेम है ये फ्लेम आपको 16,000 के कॉल ऑप्शन के अंदर भी दिखेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर रिकवरी, इंट्राडे रिकवरी के लिए प्ले किया जा सकता है। आज के स्टॉप लॉस के साथ में बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर ऑप्शंस को बन सकता है, बिकॉज कॉल ऑप्शंस का 16,000 कॉल ऑप्शन जो अभी रफली मतलब 158 के आसपास चल रहा है, इसका एवरेज ट्रेडिंग प्राइस आ रहा था 143-140 के आसपास, उसको उसने ओवरशूट किया है और ये अपसाइड सारी स्ट्राइक प्राइस में हुआ है। डेफिनेटली रिकवरी के लिए प्ले करें, यहाँ से आपको 200-300 पॉइंट की निफ्टी के अंदर रिकवरी, और पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी के अंदर आपको 400 से 500 पॉइंट की रिकवरी मिल सकती है। निफ्टी ने आज अपने जो सुबह का ओपन था उसको भी क्रॉस करा है, तो डेफिनेटली एक रिकवरी कैंडिडेट बन सकता है। नहीं बड़ा सब वो तो हुआ ये कि जिस लेवल पे हम खुले थे ना निफ्टी पे, उसी के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, तो इनडिसीजन है मार्केट पे कि नीचे लेके जाएंगे हैवी पोजीशंस को या हाँ, लेकिन फिर उसने नीचे जाने के बाद में 15,757 का लो लगाने के बाद में वहां से ऊपर 100 पॉइंट की रिकवरी करी है, तो एक फर्स्ट जो स्टेप है कि हम मतलब क्या सुबह के ओपन को हम क्रॉस कर रहे हैं, उसने एक अटेम्प्ट किया है, और ऑप्शंस के अंदर मतलब मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ है, पर्टिकुलरली 15,850, 15,900 और 16,000 के कॉल ऑप्शंस के अंदर। तो उसको देखते हुए आज के लो का स्टॉप लॉस लगा लें जो 15,750 के आसपास आएगा, और आप कॉल ऑप्शंस के अंदर यू नो ट्रेड कर सकते हैं, क्वांटिटी कम रखें, लेकिन हाँ एक रिकवरी कैंडिडेट की तरह यहाँ पे इसको क्लिक किया जा सकता है। अंकित कुमार जी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पे आपके कमेंट जानना चाहते हैं। मैं चार्ट सभी व्यूअर्स के लिए लगा रहा हूँ फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का, फिनोलेक्स पाइप के नाम से है ये, 146 के लेवल पे कर रहा है काम काज 146, और इनफैक्ट ये जो पिछले कुछ दिनों में गिरावट है, कैश का स्टॉक है सर, आप ट्रैक कर रहे हैं क्या इसको? हाँ 141 के आसपास चल रहा है, मैं बहुत ज्यादा इसको ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन चार्ट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये 130 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 168 से 170 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है, लेकिन इसमें आप स्टॉप लॉस, पहला जो छोटा स्टॉप लॉस है वो बनता है 137 के आसपास का, और उसके बाद में 130 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। HUL पवन कुमार जी पूछ रहे हैं इसमें क्या करना चाहिए। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर ना एक रिपोर्ट भी थी मॉर्गन स्टेनली की, उन्होंने EPS अनुमान इसलिए घटा दिया 4 से 3% FY23 और FY24 के, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये जो मार्जिन पिक्चर है ना एग्री कॉमोडिटीज में तेजी आई है, तो हो सकता है कि इनकी मार्जिन पिक्चर बिगड़ती हुई नजर आए। HUL का तो सबसे बड़ा एक्सपोजर है एग्री कॉमोडिटीज, कच्चा माल है इनका। हिंदुस्तान यूनिलीवर चार्ट स्क्रीन पे आपके कमेंट्स। सर चार्ट्स कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड हो चुके हैं, कंटिन्यूसली गैप डाउन ओपनिंग इसके अंदर हो रही है पिछले 3 दिन से, हालांकि ये ओवरसोल्ड कैटेगरीज के अंदर है, तो एक छोटा मोटा रिकवरी बन सकता है, लेकिन मेरे लिए एक पोजिशनल ट्रेड ये नहीं है, तो मैं इसमें एंट्री की राय नहीं दूंगा। अगर एंट्री करनी है तो आप इसमें बुल कॉल स्प्रेड बना लें ऑप्शन के अंदर अगर आप प्ले करते हैं, तो अदरवाइज प्लेन वनीला मैं इसको अवॉइड करूंगा। अच्छा ये टाटा कंज्यूमर FMCG में HUL के मुकाबले कैसा लग रहा है सर? 663 के लेवल पे है टाटा कंज्यूमर।
फंडामेंटली मुझे ये काउंटर बिजनेस एक्चुअल सर, टाटा कंज्यूमर मुझे एक्चुअल के कंपेयर में और सारी जो कंज्यूमर कंपनीज हैं उसके कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रांग लगता है, भले ही वो ITC हो, HUL हो, ब्रिटेनिया हो। तो मैं यहाँ पर बाय रिकमेंड कर सकता हूँ, और मेरे लिए एक बेस्ट फॉर्मेशन यहाँ पर डेली कैंडल में बन रहा है, आर्ली कैंडल के अंदर भी ये अच्छा दिख रहा है। बाय करें 700 तक के लेवल के लिए, लेकिन इसके अंदर स्टॉप लॉस आप रखें डेफिनेटली 650 के आसपास का। चलिए फटाफट से वही बात है जो जो चढ़ रहा है एक बार आपको बताना जरूरी है। UPL एक और स्टॉक, ये भी लगभग दिन के उच्चतम स्तर पे, और यहाँ तो खैर बाय बैक की खबर ही इसको ड्राइव कर रही है। झटका लगा था शुरुआती ट्रेड में, एक बार आ गया था 690 के नीचे, लेकिन निचले स्तरों से पलट गया। सर बाय बैक मैं वैसे 800 रुपये से ऊपर का है, एग्जैक्टली बहुत मैं भूल गया, लेकिन फिर भी UPL 713 के लेवल पे है, और पिछले सत्र में लगभग 730 के लेवल को दस्तक दे रहा था ये स्टॉक। दोबारा चढ़ सकता है क्या? बिल्कुल चढ़ सकता है सर, इसके अंदर बायबैक अच्छा है। आई थिंक 885 के आसपास का बायबैक रेट अनाउंस हुआ है, मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ध्यान है बिजनेस अच्छा है, 15-16% के आसपास का ROE ये बिजनेस का, 15 के PE मल्टीपल पे अवेलेबल है, तो फंडामेंटली बहुत अच्छा है और मार्केट लीडर है, वैल्यू क्रिएट कर सकता है। 800 850 तक की इसमें लॉन्ग टर्म वैल्यू निकाली जा सकती है, लेकिन हाँ ये नीचे से बहुत रिकवरी कर चुका है, तो पैसा लगाएं, थोड़ा पैसा लगाएं, लेकिन अगर किसी के पास में पोजीशन है तो उसको होल्ड करें। काउंटर आपको तेजी के मूव में रहेगा, और अगर ये 650 के आसपास के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है डेली बेसिस पे, या आर्ली बेसिस के ऊपर भी अगर 630 के लेवल को क्रॉस करता है, तो इसमें एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। ये इचिमो की क्लाउड के ऊपर भी बहुत अच्छा पैटर्न इमर्ज हो रहा है, क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, बने रहें काउंटर के अंदर। 845 रुपये बायबैक प्राइस है, वो मैक्सिमम बायबैक प्राइस है, ये ओपन मार्केट यानी कि खुले हाँ ओपन बाजार में, मार्केट के अंदर है, करेक्ट ये टेंडर नहीं है, ये खुले मार्केट में जो कंपनी है वो बायबैक कर रही है अपना, तो ये TCS जैसा बायबैक नहीं है, ये दूसरे वाला बायबैक। पर सेवन हंड्रेड मैक्सिमम इसकी फोर्टी 845 के रेट है। और आपने जो वो बोला था ना माटा साहब, ये भारतीय एयरटेल, ये और पकड़ मजबूत होता हुआ, तो आज ये भारतीय एयरटेल पे एकदम से फोकस जो है वो ज्यादा बढ़ गया है, और दूसरा तबका है IT जहां पर आज के सत्र में बन रही है तेजी। आपने भारतीय एयरटेल का क्या टारगेट बताया था सर मिड टर्म में? सर भारतीय एयरटेल मेरे को लगता है, एक बट मैं अभी जो रिसेंट चार्ट देख रहा हूँ अभी 660 के आसपास प्ले कर रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी आपको 700 के लेवल तो बहुत जल्दी क्रॉस कर सकता है, अगर मार्केट में थोड़ा सा भी अगर डिस्ट्रप्शन नहीं होता है तो बहुत जल्दी आपको 700 के ऊपर के लेवल दिखाएगा। अच्छा, मैं ना एक बार फटाफट से वो वाले चार्ट ढूंढने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, ये क्योंकि हम अब 11 बजे शो वाइंड अप करने का भी टाइम है, पर ये जो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने 2 घंटे में जो ट्रेड है वो और मजबूत करना है, जिसमें भारतीय एयरटेल हमने बात कर ली, एक स्टॉक है मिड कैप में वो है HEG, ये भी दिन के उच्चतम स्तर पर। सर HEG का चार्ट कैसा लग रहा है 1183 के लेवल बहुत पे? अच्छा सर, बहुत अच्छा चार्ट है HEG, और इसका एक जो सिस्टर सिस्टर चार्ट है ग्रेफाइट, दोनों बहुत अच्छे काउंटर हैं, बिल्कुल बने, कॉमोडिटी प्ले है, और कहीं ना कहीं इसमें जो कॉमोडिटी का रिएक्शन आता है वो रफली 8 या 10 दिन के बाद में आता है, जब बाकी सारे कॉमोडिटी काउंटर्स चल चुके होते हैं, तो डेफिनेटली बाय करें। और 15 मिनट के अंदर इसने बहुत अच्छा क्रॉसओवर दिया है क्लाउड्स के ऊपर, एंड अगर ये 1200 को क्रॉस करता है तो हम इसमें बहुत जल्दी 1350 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। हमने हमारे क्लाइंट्स को इसके अंदर बाय का रिकमेंडेशन दिया है, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे टारगेट हैं इसमें रफली 1800 के आसपास के, तो बने रहें इस काउंटर के अंदर। अच्छा, मुद्दा ये है कि फाइनेंशियल्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं और सारा का सारा फोकस फिर से जा रहा है कॉमोडिटी की ओर, ये पता नहीं ये दिक्कत कब तक रहेगी। हम बात कर रहे हैं कभी ना कभी तो पलटेंगे, लेकिन पलटेंगे कब ये बहुत मुश्किल है कहना। एक्सिस बैंक दिन के निचले स्तर पे, एक बार ICICI बैंक भी देख लेते हैं, और एक कमेंट आपका इन सब स्टॉक्स पे, उसके बाद हम शो को करेंगे वाइंड अप। ये ICICI बैंक 656 के स्तर पे, और एक है इंडसइंड, इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी लगभग दिन के निचले स्तर पे 857 के आसपास हो रहा है कामकाज, और एक रिपोर्ट ना आज कोटक पे भी आई थी, ये भी स्टॉक एक बार लगा दो, सारे निजी क्षेत्र के बैंक। कोटक बैंक है 1694 के स्तर पे। सर कुछ है पुल बैक की उम्मीद? बैंकिंग बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है क्या? सर बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, लेकिन ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकती है इनकी डाउन टर्न पे, क्योंकि FIS की कंटिन्यूसली सेलिंग है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फंडामेंटल रीजन हम अगर देखें तो आप देखें कोविड के बाद में जो मूव आया था उसमें मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने अपने डेट को रीपेमेंट किया है, तो लेंडिंग इनकी कहीं ना कहीं कम हो गई, तो जब तक अब कैपेक्स साइकिल रिवाइव नहीं होती है, जब तक कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के ऊपर कंपनीज काम नहीं करती है, तब
तब तक इनके लिए वो इंक्रीमेंटल नेट इंटरेस्ट मार्जिन को मेंटेन करना और इंक्रीमेंटल बिजनेस लेकर आना वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आजकल जो नई ये फिनटेक कंपनीज आ गई हैं जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हैं, वो एक बहुत टफ कंपटीशन दे रही है इन सारे कन्वेंशनल बैंक्स को, जहां पर इनकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है बिकॉज इनको टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो ये सारे रीजंस हैं जो बैंकिंग को आउट ऑफ द रेडार किए हुए हैं, और यही रीजन है शायद कि FIIs जो है वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। प्लस रशिया और यूक्रेन की जो स्थिति चल रही है उसकी वजह से US और यूरोप के अंदर भी बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा रेट करेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, तो उसका कंटेंजन इफेक्ट भी यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्री को मिल रहा है। मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ पे बॉटम फिशिंग करें, ये काउंटर बहुत अच्छे हैं। आपको रहना है तो दो बैंक के साथ में रहें, ICICI बैंक प्लस SBI बैंक, ये दो काउंटर रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस दिए हैं पिछले 5-6 महीने के अंदर, और मूव भी आएगा तो सबसे पहला मूव इन दोनों के अंदर ही आएगा। तो ICICI बैंक जब तक 688 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, मैं नहीं बोलूंगा कि मतलब है ना इसके अंदर कोई नया पैसा डाला जाए, और SBI भी थोड़ा सा 675 के लेवल को जब तक रीटेस्ट नहीं करता है तब तक नया पैसा उसमें नहीं डालें। माठा साहब, मैं ना शो को वाइंड अप करने जा रहा था, लेकिन बैक एंड टीम बोल रही है नहीं, माठा साहब की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, वो अरे सर व्यूअर्स जो थैंक है ना यू वो सो और मच। कनेक्ट होते चले जा रहे हैं इस शो में, तो बस ये पूछ रहा हूँ कि आप थोड़ा अनुमति देते, 2-3 सवाल और पूछ लूँ, क्योंकि लगातार व्यूअर्स के सवाल जो है वो होते चले जा रहे हैं। सर आप हम और हमारे व्यूअर्स, हम तीनों एक ही बोट के अंदर हैं और हम तीनों एक इकोसिस्टम है, और एक दूसरे को मतलब एक दूसरे हैं तो हम है, अदरवाइज इकोसिस्टम तो ऐसी स्थिति है का ना पार्ट। मार्केट में कि इस समय सभी लोग जो है वो नर्वस हैं थोड़ा, देख कर भी अपने पोर्टफोलियो को, और देखिए चिंता की बात करें, जब हैवी वेट्स इतनी बुरी तरह टूटेंगे, 52 हफ्ते के निचले स्तर पे बड़ी बड़ी कंपनियां पहुंची निफ्टी की, तो छोटों की तो आप बात ही मत की, जब रिकवरी आएगी ना तो पहले बड़ी कंपनियों में पहले फोकस किया जाएगा। ये फंड मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी होती है कि पहले बड़ी कंपनियां जो हैं वो बड़े निवेशक फंड मैनेजर्स ज्यादा चेज करते हैं, हम उन्हीं में कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे साहब जो हमने बात की थी ना ये UPL की, ये दिन के उच्चतम स्तर पे आया, कमाल कर रहा है, अब 720 के लेवल पे पहुंचा है। मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि कुछ फार्मा स्टॉक्स में हलचल बनी है, आज डिफेंसिव मोड पे जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, इतनी खतरनाक सेलिंग के बाद ना कुछ डिफेंसिव बाइंग हो रही है बायोकॉन में, और एक है ग्लेनमार्क, कुछ पसंद आ रहा है फार्मा में आपको? सर मैं फार्मा को लेके पोजिशनली मेरा मतलब है ना व्यू नॉर्मली नेगेटिव रहता है बिकॉज मैंने पिछले 5 साल में फार्मा का परफॉर्मेंस देखा है, तो इसने बहुत अच्छी तेजी भी नहीं दिखाई है, और मतलब मंदी में ये सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है, तो मैं फार्मा को एज ए पोजिशनल ट्रेड नहीं लेता। हमारे पास में बहुत अच्छे कंज्यूमर फैक्टर हैं, जब रिटेल स्टोरी इतनी इमर्ज हो रही है इंडिया के अंदर, तो हम फार्मा के अंदर मुझे सही नहीं लगता है कि वो पैसा डाला जाए, तो मेरा इसमें थोड़ा सा रेडिकल व्यू है। ठीक है, ये आपको पसंद नहीं है, लेकिन आज मार्केट में फार्मा में ग्लेनमार्क ये एकदम से पलटा है, ये दिन के उच्चतम स्तर पे सिर्फ वो स्टॉक्स आपको बताए जा रहे हैं। अच्छा, IT में एक स्टॉक चल पड़ा है, वो है परसिस्टेंट सिस्टम, इसका इसमें कुछ एडवाइस होगी सर, जिनके पास पोजीशंस हो आज के लिए क्या करें और छोटी अवधि के लिए क्या करें परसिस्टेंट सिस्टम में? छोटी इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म तो कहना अभी के हिसाब से मुश्किल। अच्छा ये भी बता दूं सर, ये माटे साहब, ये परसिस्टेंट चल पड़ा, माइंडट्री चल पड़ा, सिप्ला चल पड़ा, ग्लेनमार्क चल पड़ा, तो है तो IT और फार्मा आज। सर परसिस्टेंट सिस्टम बहुत अच्छे चार्ट है, बने रहें इसमें, आप 3600 का स्टॉप लॉस लगाएं फॉर अ टारगेट ऑफ रफली 4000, आप सॉरी अभी तो 4000 चल ही रहा है, 4120 ये लेवल है इसमें, क्या स्टॉप लॉस का टारगेट? सर स्टॉप लॉस इसमें थोड़े से स्टीप है मेरे, इसमें पोजिशनल स्टॉप लॉस है सर 3680 के आसपास के, और अपसाइड के अंदर सर ये 4500 के लेवल को टच कर सकता है मार्केट के अंदर। बिल्कुल, तो परसिस्टेंट अच्छा ट्रेड है, बने रहें, और आर्ली बेसिस और 30 मिनट्स के अंदर में भी इसके अंदर अच्छा एक ब्रेकआउट आ रहा है, आर्ली बेसिस के अंदर ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के मूव में है, द मोमेंट इट क्रॉस 4160 लेवल इसके अंदर एक बहुत बड़ी तेजी आएगी इंट्राडे के अंदर। अच्छा, एक है IGL, ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अभी पहुंचे दिन के उच्चतम स्तर पे, तो ऑयल एंड गैस स्पेस में IGL पलटा है आज 337 के लेवल पे, यहां पर हो रही है खरीदारी, और IGL का वैसे चार्ट कैसा लग रहा है आप एक बार IGL पे कमेंट कीजिए सर स्क्रीन पे। 15 IGL एक 15 मिनट के ट्रेड में एक इसने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, और ये मेरे इचिमो की क्लाउड जो मैं नॉर्मली ट्रैक करता हूँ उसको क्रॉस कर रहा है
340 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो मैं इसमें ओवर वेट बाइंग की कॉल दूंगा। बहुत बीटन डाउन स्टॉक है, अभी एक महीने पहले 500 550 के आसपास लेवल पे ये मिलता था, तो वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं इसके, फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, तो बने रहें इस ट्रेड के अंदर और आपको ये पैसा बना के देगा बिकॉज ये 16-17 के पीक पे अवेलेबल है, 20 का इसका आरओआई है बिजनेस का, और मुझे लगता है कि ये काउंटर मतलब बीटन डाउन ज़्यादा हो गया और अब यहाँ से इसमें रिकवरी आ सकती है। ये GSFC मेरे को बार बार इसलिए रडार पर रह जाता है क्योंकि ये स्टॉक मैं एक बार ना व्यूअर्स को डेली चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद समय में आएगा कि GSFC क्यों रडार पर रह जाता है। पूछ ले क्योंकि बाजार देखिए गिरता चला गया लेकिन GSFC ने अपनी पकड़ अभी तक तो खोई है नहीं, 130 के लेवल पे है सर GSFC। है दम इसमें आज के लिए या फिर मिड टर्म पर्सपेक्टिव में या फिर इसको सर ये रेंज बाउंड ट्रेड है, सर एक रेंज बाउंड ट्रेड है, आप इसमें 120 118 का रादर आई वुड से 118 का स्टॉप लॉस बनाकर पोजीशन में बने रहें, ये 135 140 के लेवल आपको दिखा सकता है बट यही इसका रेंज है रफली, आप मतलब है ना इस पर 140 के आसपास आए अपना पोजीशन आप छोड़ दें और ये 117-18 के आसपास 20 के आसपास आए आप इसमें एंट्री कर लें, ये परफेक्ट ट्रेडिंग कैंडिडेट है। जिस तरह से अडानी पावर हमने डिस्कस किया था इसकी भी रेंज बहुत यू नो नैरो रेंज है और जब तक ये रेंज को क्रॉस नहीं करता है तब तक मतलब है ना इसमें कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा, ये 20-25 रुपए की रेंज के लिए इसको प्ले किया जा सकता है। ये बार बार मेरे पास ये BHEL आ रहा है रडार पर, ये BHEL में आज हो क्या रहा है, बड़े बड़े सौदे क्यों देखने को मिल रहे हैं और ये स्टॉक वैसे लग कैसा रहा है आपको आज के पर्सपेक्टिव से और एक दो दिन में कुछ क्या मूव देने की तैयारी कर रहा है क्या ये स्टॉक? सिर्फ BHEL मतलब अच्छा काउंटर है लेकिन ये इसके अंदर है ना मूवमेंट बहुत स्लो आता है, अगर आता है तो 20-25% का मूवमेंट एक महीने में रहता है, अदरवाइज ये कंटिन्यूसली यू नो गिरने वाले मोड में ज्यादा रहता है। हाँ इसके अंदर बड़े ट्रेड्स हुए हैं और 45 के आसपास इसका है ना लॉन्ग टर्म सपोर्ट है तो पोजिशंस के अंदर बने रहें, मुझे इसमें बहुत जल्दी 55-56 के आसपास के लेवल नजर आते हैं। पोजिशनली अगर मैं एक साल का व्यू लूँ या थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लूँ तो मुझे इसमें 70-75 के आसपास के लेवल नजर आते हैं तो पोजिशन के अंदर बने रहें, ये मुझे ऐसा लगता है कि पिछला बजट जो था इसमें इसका ये सबसे पहला डिसइन्वेस्टमेंट यू नो कैंडिडेट था जो FM मिनिस्टर ने बजट स्पीच में इसका नाम लेके इसको अनाउंस किया था, तो कंपनी अच्छी है और फंडामेंटल वैल्यू है इसके अंदर, थोड़ा सा इसकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में उतना दम नहीं है, हालांकि इस क्वार्टर के अंदर ये प्रॉफिट इन्होंने ऑपरेशनल लेवल पे दिया था तो फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, पोजीशन इंप्रूव हो रही है, बने रहे ट्रेड के अंदर, अभी निकलने का समय नहीं है, 55-56 के आसपास अगर आए तो आप वहां पर वापस एक बार रिव्यू कर लिए। अच्छा मैंने इमोजीज का नाम क्या लिया, आप सभी इमोजीज बना के दे रहे हैं तो इमोजीज बनाना बंद कीजिए, हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देने की। एक है अमराजा बैटरी पे, गोविंद कुलश्रेष्ठ जी ने बहुत सारी बैटरीज बना के दे दी, अमराजा बैटरी कह रहे हैं 640 पे खरीद लिया, और एक सूरज सिंह जी ने बहुत सारे पिज्जा हमको भेजे हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स के नाम पे। तो पहले तो अमराजा बैटरीज पे आपके कमेंट सर, कैसा लग रहा है ये स्टॉक? सर बहुत ही बीटन डाउन स्टॉक है, 1200-1100 के लेवल से ये आज 50% पे अवेलेबल है, ईवी का एक बहुत बड़ा प्लेम आ जाता है बैटरी स्पेस के अंदर, ये तो एक्साइड और अमराजा बैटरी पे सेम व्यू है मेरा, बट अमराजा मुझे थोड़ा सा बेटर पोजिशन लगता है कंपेयर टू एक्साइड, ठीक है तो पोजीशन के अंदर निकलने का समय नहीं है, बने रहें इसके ऊपर आप, और अगर 600-640 के आसपास 640 के आसपास अगर लेवल आते हैं तो मैं इसमें से एक बार एग्जिट जला दूंगा, हालांकि हमारे क्लाइंट्स को भी हमने 630-631 के अंदर इसमें एंट्री करवाया हुआ है तो मेरा उनके लिए भी यही व्यू है और उनको भी मैं यही एडवाइजरी दूंगा कि एक बार 640 के आसपास आए तो पोजीशन को यू नो एग्जिट कर लें। अच्छा और ये जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये आखिरी सवाल होगा सर, जुबिलेंट फूड इस समय कर रहा है 2497 पे काम, सर ओवरसोल कैटेगरी के अंदर है, एक यहां से बाउंस बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिकवरी आती है तो, लेकिन मैं पर्सनली इस स्टॉक के ऊपर हमेशा गलत हुआ हूं तो मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर मैं अपनी कोई बायस राय दूं, एक उसके लिए रिकवरी के लिए प्ले कर सकते हैं बिकॉज ये ओवरसोल कैटेगरी के अंदर है। सर माटा साहब जाते जाते ITC लिया क्या आपने? नहीं सर ITC मैंने नहीं लिया है, लेकिन सर मैं बोलूंगा कि ITC को लेके लोगों के अंदर बहुत ज्यादा रोष है ऐसा मेरा है, लेकिन ITC
अगर आप देखें पिछले एक साल में, तो ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट रिटर्न की कैटेगरी में आएगा लार्ज कैप के अंदर। अगर आप इसके डिविडेंड, अगर इसकी आप हेजिंग में कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन शॉर्ट करके अगर कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसने 70-80% के आसपास का रिटर्न दिया है आईटीसी के अंदर। तो ये जो स्ट्रेटजी होती है, ये फंड मैनेजर या हेज फंड मैनेजर जो होते हैं वो बहुत अच्छे से प्ले करते हैं कि उन्होंने डिलीवरी उठा लिया और उसका आउट ऑफ द मनी कॉल शॉर्ट कर दिया। और ओवरऑल अगर आप एक साल के बाद में रिटर्न अगर इसका देखते हैं, तो वो रिटर्न मतलब छोटा छोटा मिलता है, लेकिन बाकी सारे मार्केट रेट्स का आउट परफॉर्म करता है। तो आईटीसी अच्छा है, इनहेरेंट वैल्यू है काउंटर के अंदर, और इसके अंदर इंप्लाइड वॉलिटिलिटी भी कम है। इतना मार्केट गिरने के बाद भी ये अभी 225-230 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो काउंटर के अंदर बने रहे। किसी भी दिन ये 300-350 का लेवल दिखा सकता है, इस होप पे सभी बैठे हुए हैं। लेकिन मतलब है ना, इसका जो डिविडेंड है, इसका जो आपका ऑप्शंस की बेनिफिट्स हैं, उसको आप रीप करते रहें और आपकी कॉस्टिंग डेली बेसिस पे मंथली बेसिस पे कम होती जाएगी। बने रहें काउंटर के अंदर, वो बने इसलिए भी रहे क्योंकि ये है 12 दिन हो गए युद्ध चलते रूस और यूक्रेन के, लेकिन आईटीसी देखिए 12 दिन में जहां था वहीं पे नीचे से ऊपर भी आ गया और एक रेंज में फंसा हुआ है। लेकिन हाँ, कम से कम गिरा नहीं, और आईटीसी ने इस बार तो डिसअपॉइंट किया नहीं, बिल्कुल डिफेंसिव प्ले। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए सर, अतिरिक्त समय देने के लिए। थैंक यू सो मच अजय जी, थैंक यू सो मच। आज बहुत व्यूअर्स थोड़े सेटिस्फाई होंगे क्योंकि आपने आज कोशिश की है कि गिरते बाजार में बताने की कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर अच्छी खरीदारी की जा सके। कोई डिस्क्लेमर देना चाहते हैं सर? सर, ये जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, जो स्ट्रेटजीज हमने निफ्टी बैंक निफ्टी पे बताई है, उसमें हो सकता है कि मेरी कुछ पोजीशंस हों या मेरे क्लाइंट्स को ही मैंने सेम पोजीशंस के ऊपर एडवाइस किया हो, तो उसे आप मेरा बाय डिफॉल्ट डिस्क्लोजर लेकर चलें। और ये मेरी केवल एक राय है, इसको आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में डिस्क्लोज करके और एक रेडिकल कोई भी डिसीजन लें, तो उससे पहले आप एक नॉलेजेबल ट्रेड करें एक्सपर्ट्स के साथ में बाय करें। मैं भी डिस्क्लेमर दे देता हूँ सर, मैं भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट ही हूँ और मेरी किसी भी स्टॉक में, इनमें से जो आज डिस्कस हुए, उसमें कोई भी शॉर्ट टर्म पोजीशन है नहीं, ना 1% से ऊपर की कोई पोजीशन है। जो भी पोजीशन होगी वो लंबी अवधि के लिए होगी, लेकिन आज मैं जो भी स्टॉक डिस्कस हुए उसमें मैक्सिमम स्टॉक में कोई पोजीशन है नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर चर्चा करने के लिए। एक बार मैं फटाफट रीकैप कर दूं, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। और आज जो तेजी बन रही है उसमें ऑब्वियसली पहले पायदान पे आ रहा है, चार्ट आपकी स्क्रीन पे आते जाएंगे, फटाफट से देखते जाइए यूपीएल, ये स्टॉक है और सिर्फ 15 मिनट के चार्ट्स होंगे आपकी स्क्रीन पे। यूपीएल दिन के उच्चतम स्तर पे जो जो स्टॉक्स डिस्कस हुए उसमें है एक और एचईजी, दिन के उच्चतम स्तर पे आप 1200 के लेवल को क्रॉस करता हुआ। एक है साइंट, आज आईटी प्ले हुआ है मार्केट में और साइंट अब 924 के लेवल पे कामकाज कर रहा है। इसके अलावा हिंडालको आज शुरुआती सत्र में तेजी पकड़ गया था और दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंचा है हिंडालको। ग्लोबल मार्केट में तेजी मेटल कीमतों में भी देखने को मिल रही है और ONGC इसलिए ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आई थी, 2100 रुपए थोड़ा रिट्रेस जरूर हुआ है, लेकिन हाँ क्रूड का पॉजिटिव प्ले है। और वेदांता पलट गया, GSFC पलट गया, अभी भी तेजी आई है IRB में, इसको अपने रडार पर रखें। IRB लोअर लेवल से कुछ पलटा है और आज डिफेंसिव प्ले हुआ है फार्मा में, जिसमें सिप्ला पाएंगे आप, सिप्ला में लोअर लेवल पे खरीदारी है और ये स्टॉक लगभग दिन के उच्चतम स्तर पे दिखाई देगा आपको। जी हाँ, सिप्ला दिन के उच्चतम स्तर पे। और दूसरा है ग्लेनमार्क, यहाँ पर भी दिन के उच्चतम स्तर पे हो रहा है कामकाज। और एक और देख लेते हैं भारती एयरटेल, जिसमें हम बार बार आज के शो में रिपीट हुआ है स्टॉक और 660 के लेवल पे कर रहा है कामकाज। तो डिफेंसिव हुआ है मार्केट में, क्लियर कट में डिफेंसिव मूव है, एग्रेसिव से दूर है, हमने रियलिटी में कोई चर्चा हुई नहीं आज और बैंकिंग में भी कुछ इतनी एक्टिविटी आज दिखी है नहीं। बाजार जहां खुला था उससे थोड़ा ऊपर आया है, गिरावट ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन हाँ अब 15,888 के स्तर पर निफ्टी कर रहा है कामकाज, थोड़ा सा पुल बैक, लेकिन इनडिसीजन कायम है। फिलहाल इस शो से इतना ही, आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ, नमस्कार।